टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब महज एक ही दिन बाकी है। 16 अक्टूबर को इस मेगा इवेंट का पहला राउंड खेला जाएगा। वहीं 22 तारीख से सुपर 12 की शुरुआत होगी। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 23 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। बाबर आजम की टीम के खिलाफ पिछले कई मुकाबलों के परिणामों को देखते हुए रोहित शर्मा इस मैच को हल्के में नहीं लेना चाहेंगे। साथ ही उनकी नजरें पिछले टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला चुकता करने पर भी होगी। ऐसे में सभी भारतीय खिलाड़ियों को मिलकर शानदार परफॉर्मेंस देनी होगी। इस बीच भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो इस बड़े टूर्नामेंट में फिनिशर की भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव को गेम चेंजर भी बताया। सुरेश रैना ने बात करते हुए कहा कि हार्दिक पांड्या की भूमिका भी बेहद अहम होगी। उनकी पावर प्ले में गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें सबसे अहम बनाती है। हार्दिक ने एमएस धोनी की तरह बल्लेबाजी करना सीख लिया है। ऐसा लग रहा है कि विश्व कप के दौरान वो बतौर फिनिशर अपनी इस क्षमता का उपयोग करते हुए दिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रोहित की कप्तानी वाली टीम इंडिया से बहुत आशाएं हैं। रोहित शर्मा एक फ्रेंडली कप्तान है और वो टीम की विश्व कप में कमान संभालने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो विराट और सूर्य के विश्व कप में प्रदर्शन को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। दोनों शानदार फॉर्म में, टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत बनाम पाकिस्तान कभी भी एक आम मैच की तरह नहीं होता। इस मैच में दबाव रहता है। उन्होंने कहा कि ये मैच अन्य मुकाबलों की तरह नहीं होगा, हमेशा की तरह ये दबाव वाला होगा। मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुका हूँ और उस दौरान कैसा दबाव होता है ये अच्छे तरीके से समझता हूँ। पिछले साल विश्व कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार भारतीय टीम जीत दर्ज करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ जीत छोटी दीपावली के भारत के लिए पटाखे का काम करेगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।